एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ BBAU के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताइए, BBAU कब अपनी मेरिट लिस्ट आउट कर रही है और उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अभी तक का लास्ट जो नोटिस थी वो यही थी कि भाई 15 तारीख तक का आपको फॉर्म फिल करना है, और अगर आप 15 तारीख के बाद में अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, 22 तक का उसका डेट था, तो आपको 500 फीस जो थी वो एक्स्ट्रा देनी थी। ये चीज़ अभी तक की नोटिस थी। तो जो जनरल और EWS और जो OBC वाले बच्चे थे उनकी 400 रुपये फीस थी, और आपको अगर एक्स्ट्रा एडिशनल आगे करना है, जैसे कि 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक के बीच में अगर आपको फॉर्म यहाँ का फिल करना है तो आपको 500 फीस जो है वो एक्स्ट्रा देनी थी। और SC ST और जो ये PWD वाले बच्चे थे इनको 200 रुपये ऑलरेडी थी, प्लस 500 अगर आप ऐड कर दोगे तो उनको 700 देनी थी। तो इतनी नोटिस आपके लिए पहले से थी, आपको ये चीज़ पता है। अब रही बात मेरिट लिस्ट की, कि मेरिट लिस्ट इसकी कब आएगी और क्या इसका नोटिफिकेशन है, तो बच्चा कुछ नहीं करना है आपको। ये जो ऊपर मैंने लिंक दे रखी है BBAU.ac.in, आप इसको सर्च करोगे, आप इसको सर्च करके आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचोगे, तो जो भी बेटा नोटिफिकेशन आना होगा ना कि मेरिट लिस्ट कब आई है, क्या है, ये सारा सब कुछ बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट इसकी जो नोटिस आई थी वो आई थी 17 मई को, और अभी कोई भी इसकी नोटिस नहीं आई है कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। वो मैं अपना एजम्पशन बता सकती हूँ कि मैं आपको एक प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि कब उसकी डेट आ सकती है। प्लस यहाँ पे लास्ट डेट इसी की आई है कि 20 तारीख को कॉलेज बंद है, मतलब यूनिवर्सिटी बंद है, ऐसा ऐसा करके। और ये इसके बारे में हमें एज सच कोई भी जानना नहीं है। ये ड्रिल बिट जो है वो उसके लिए है कि यहाँ पे जो आप प्लेगरिज्म चेक कराते हो थीसिस का, तो ये उसके लिए है। फिर यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हो तो 13 लास्ट है, मतलब एडमिशन से रिलेटेड अगर हम मेन हमारी जो नोटिस है वो 13 मई को लास्ट नोटिस इसकी आई थी, और उसके बाद एज सच कोई नोटिस नहीं आया। और इसमें भी वही था, मतलब जो सेम नोटिस मैं आपको बता रखी थी कि 15 तारीख तक का, फिर 22 तारीख तक का, यही नोटिस है। अब एज पर माई एजम्पशन, या हम बोल सकते हैं एज पर माई उसके सोचने के या एनालिसिस के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें कि इसका कब आ सकता है, तो बेटा देखो 22 तारीख का इन्होंने एक डेट दिया है कि बेटा अगर आप 22 तारीख में फॉर्म फिल करोगे, 22 तारीख तक का आपका लास्ट डेट है यहाँ का फॉर्म फिल करने का, 22 तारीख तक का अगर आप करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 तक की आपकी फर्स्ट लिस्ट आउट कर दी जा सकती है। 25 से लेकर के 26 के बीच में आपकी जो लिस्ट है वो आउट हो सकती है, और ये 22 तारीख तक का आपका लास्ट डेट होगा, और आपकी जो लिस्ट है वो, या तो फिर ये भी हो सकता है 25 से 26 के बीच में, और ये भी हो सकता है क्या पता एक दिन पहले 24 को भी यहाँ पे डेट आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एनालिसिस करके बताया है। अब ये यूनिवर्सिटी जो भी कर दे, बट एक्चुअल में यही होता है कि लास्ट डेट के एक दो दिन बाद इसकी लिस्ट आ जाती है। अब देख लो, मैंने तभी 25 बता दिया कि 25 से 26 के बीच में आपकी लिस्ट इसकी पहली आ जाएगी। प्लस अगर हम करेक्शन विंडो की बात करें, इन केस अगर करेक्शन विंडो इसका ओपन होता है, सुन लो, अगर इसका करेक्शन विंडो ओपन होता है तो हमने मान लिया कि 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो करेक्शन विंडो अगर ओपन होगी, वरना हमें नहीं लगता ओपन होगी, मैं आपको पहले बोल दे रही हूँ, 23-24 तारीख में करेक्शन विंडो ओपन होगी, वरना फिर करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगी, मुझे जहाँ तक का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं तो ये बच्चों को ये भी सजेस्ट कर रही हूँ कि भैया अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है, आप वहाँ के भी फॉर्म फिल कर दो, ठीक है, ऑप्शन में उनको भी रख लो। BBAU में अभी एज सच इतना वो नहीं राय, जितना ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ, अगर इन केस आना होगा तो 23-24 आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना फिर यही है कि आपकी अगर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी तो भैया लास्ट आपका वही मेरिट लिस्ट आएगा, तो जो 25 से 26 के बीच में मैंने बताया ऑप्शन है आने का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो नोटिस थी ये मैंने आपको बता दी। इन केस कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ की तो अभी तक इतनी ही नोटिस थी, अदर नोटिस अगर कोई आती है तो मैं जल्दी ही इन्फॉर्म करती हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि पेड सीट के लिए बनाऊँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं पेड सीट पे भी बना दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम BHU और BBAU का पेड सीट का क्या मामला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच।